छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार को नक्सलियों ने जो ब्लास्ट किया वो कितना भयावह था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हमले वाली जगह पर 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया। इस हमले में एक ड्राइवर समेत डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 11 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों ने सड़क के बीचों बीच लैंडमाइन बिछाई हुई थी। ये ब्लास्ट IED विस्फोटक से किया गया था, जिसमें जवानों के वाहन के परखच्चे उड़ गए। इस हमले के बाद केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों पर कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त फोर्स को भी बुला लिया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने नक्सलियों को खत्म करने के उद्देश्य से साल 2008 में DRG का गठन किया था। जानकारी के मुताबिक DRG के जवान बीते मंगलवार को ऑपरेशन पर गए थे और वहीं से लौटते वक्त उन पर हमला हुआ। हमला जिस तरह से किया गया उससे साफ पता चलता है कि नक्सलियों ने इसकी प्लानिंग पहले से कर रखी थी और उन्हें मालूम था कि जवान इसी रास्ते से वापस आएंगे।